राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी सेमीफाइनल हम हारे हैं, मगर फाइनल हम ही जीत लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। हम इस हार से नहीं थकेंगे। हम लगातार संघर्ष करते हुए लोकतांत्रिक संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सहयोगी बीजेपी से लड़े, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से भी सहयोगी दलों ने लड़ाई लड़ी। भाजपा ने उन्होंने धर्म का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। भले ही हम हार जाए, हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने प्रचंड मेहनत करी, माननीय राहुल गांधींनी, प्रियंकाजींनी, खरगे साहेब, सर्व राज्य स्तरावरच्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचंड मेहनत केली, पण हा निकाल अनपेक्षित आहे। अनपेक्षित म्हणण्यापेक्षा आम्हाला निकालाने आम्ही खचून जाणारे नाहीत। आम्ही ही लढाई या देशाच्या लोकशाही वाचवण्यासाठी लढतो। या देशातील लोकशाही तर वाचवायचं आहे, पण या देशातील संविधानावर हा देश चालावा म्हणून आमची लढाई आहे। आणि त्याही पलीकडे जाऊन या देशामध्ये मताचं ध्रुवीकरण करण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाने केलेलं आहे। धर्माचं राजकारण हे करत असताना सत्तेच्या भरोशावर काही भारतीय जनता पक्ष एकटी लढली असं आम्ही म्हणत नाही। भारतीय जनता पक्षांनी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या मित्रपक्षाच्या भरोशावर भारतीय जनता पक्षांनी ही निवडणूक जिंकली आहे असं आमचं मत आहे। कारण एकट्याने लढली असती तर केव्हाच त्यांना हार पत्करावी लागली असती, परंतु त्यांचे मित्रपक्ष हे केंद्रीय एजन्सी आहेत, त्याबरोबरच त्यांचे त्यांचं जे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचं काम जे केलंय की आम्ही रामललाच्या दर्शनाला सगळ्यांना मोफत नेऊ, अशा प्रकारचे मुद्दे राजकारणामध्ये आणून त्यांनी तो विजय संपादन केला आहे। पण एक विजय संपादन केला म्हणजे आम्ही हरलो नक्की आहोत, पण आम्ही लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी लढत राहू, हा आमचा निर्धार आहे। इसके साथ ही तेलंगाना विजय पर बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि भारत छोड़ो यात्रा का तेलंगाना में फायदा हुआ। राहुल गांधी ने कहा 14 दिन की यात्रा की यात्रा मिल का पत्थर बन गई। इन मतदाताओं ने मतदान किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जेल भेजा गया। लड़की की शादी में केवल 10 दिनों के लिए जमानत मिली, इससे लोग नाराज थे। तेलंगाना में ऐसी मेहनत की जीत हुई। देखिए ये रिजल्ट जो आए हैं, ये हमारे से हमें लगता है कि ये अनपेक्षित निकाल है, हमने सोच के बाहर के निकाल है। जो लोगों का समर्थन जिस तरह से हमको मिल रहा था, हमारे नेताओं के सभा को मिल रहा था, राहुल जी के सभा को मिल रहा था, प्रियंका जी के सभा को मिल रहा था, खरगे साहब के सभा को जो रिस्पांस मिल रहा था, उसके बदले देखिए तो बीजेपी के नेताओं के सभा में कुर्सियां खाली दिख रही थी। ये सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, फिर भी इतना बड़ा विजय अगर वो साबित करते तो इसके पीछे दो तीन हो सकते हैं कारण। एक तो उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की काम किया। हम रामलला का दर्शन मोफत फुकट में ये करेंगे। सत्ता के भरोसे सत्ता में मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए नया नया स्कीम चलाई थी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। इसी के साथ में आज मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त जो चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में भी इन दो राज्यों में भारतीय जनता पक्ष अकेले थोड़ी लड़ी। इन तीनों राज्यों में इन्होंने तो सेंट्रल की एजेंसियां मित्र पक्ष थे इनके, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो और इनकम टैक्स हो, इनके साथ में वो चुनाव लड़ा गया ऐसा मैं मानता हूं। और इन्हीं के बदौलत ही चुनाव में जीत हुई। अगर एक इतना बड़ा विजय मिलता है तो दूसरा ऐसा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ चुनाव के नतीजे जो आए, हमें उसका कोई गम नहीं। विषय रूप से हम लोगों की ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए हमारी लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है। हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस देश के केवल सत्ता के लिए हम नहीं लड़ेंगे, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश को मजबूती से सब धर्मों के साथ में आगे बढ़ाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।